इतनी सारी माउथ मेल्टिंग कुकीज़, वो भी एक ही डोज से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इन सारी कुकीज़ को बनाने का मेथड आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पे मैं एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल में हाफ कप अनसॉल्टेड वाइट बटर डाल रही हूँ। ये रूम टेम्परेचर पे बटर है। बटर का टेक्सचर इस तरह से चेक करेंगे, जैसे जब फिंगर से ऐसे प्रेस करेंगे ना, तो ईजीली प्रेस हो जाए, ऐसा हमारा बटर का टेक्सचर होना चाहिए। और इसके साथ ही मैं 1/4 कप पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ। यहाँ पे आप कस्टर्ड शुगर भी डाल सकते हैं। और 1/4 टीस्पून सॉल्ट डाला है मैंने, और इसे स्पैचुला की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जब हम बीटर चलाएंगे ना तो वो पूरा शुगर उड़क जाता है, शुगर पाउडर उड़ने लगता है। तो इस तरह से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, देन बीटर से बीट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं बीटर की हेल्प से इसे अच्छी तरह से लाइट एंड फ्लफी होने तक बीट करूँगी। थोड़ा सा साइड्स भी स्क्रैप कर लेंगे स्पैचुला की हेल्प से, ताकि सारे बटर आपस में मिक्स हो जाए। इस तरह से स्क्रैप करके फिर से बीट कर लेंगे। दो से तीन मिनट बीट करने के बाद ये बहुत ही अच्छा लाइट हो जाता है, कलर इसका चेंज हो जाता है, थोड़ा सा वाइटिश कलर आ जाता है। अब इस स्टेज पे मैं 1 टेबल स्पून नॉर्मल रूम टेम्परेचर का मिल्क डाल रही हूँ। बाद में ज़रूरत पड़ी तो और डालेंगे, पर अभी मैंने बस 1 टेबल स्पून डाला है और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब बीटर का काम हो गया यहाँ पे, मैं तो बीटर के रॉड हटा दे रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आ गया इसका, बिल्कुल क्रीमी सा बन गया है, यहाँ देखिए। अब इसमें मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालूंगी, तो इसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेंगे, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा है ये, और इन सबको अच्छी तरह से छान लेंगे। इस तरह से छान लेंगे, और स्पैचुला की हेल्प से अभी मैं कर रही हूँ, पर ये काम हमें हाथ से करना होगा, क्योंकि गूंदने का काम है तो हाथ से ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो इसे हल्के हाथों से गूंदेंगे, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे, जिससे क्योंकि जो हमने जो बटर में एयर इनकॉर्पोरेट किया था वो ना निकले। मैं वनीला एसेंस डालना भूल गई थी, सो मैं अभी डाल रही हूँ वनीला एसेंस, और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा डो तैयार हो गया। अब इसे मैं एक चॉपिंग बोर्ड पर ले रही हूँ और इस डो के मैं 4 इक्वल पोर्शंस बनाऊँगी, क्योंकि हमने चार से पांच तरह की कुकीज़ बनानी है एक ही डो से। तो ये पहला पोर्शन मैंने उठाया, इससे मैं जैम वाली कुकीज़ बनाऊँगी, तो इसके इक्वल मैं 8 पोर्शन कर रही हूँ। और इस तरह से पेड़े की तरह बना के बीच में फिंगर की हेल्प से होल बना देंगे। इस होल में हम जैम फिल करेंगे, मिक्स्ड फ्रूट जैम। तो मैंने एक बेकिंग ट्रे पे पहले से पार्चमेंट पेपर लगा रखा था, उस पे सारे अरेंज कर दिया मैंने। अब ये दूसरा पोर्शन मैंने उठाया, इससे मैं स्नोबॉल कुकीज़ बनाऊँगी। तो ये थोड़े बड़े बड़े बनाएँगे हम, तो इसके मैंने 6 पोर्शन बनाए हैं इस तरह से। यहाँ देखिए इसके मैं स्नोबॉल बनाऊंगी कुकीज़। अब ये 3rd पोर्शन मैंने उठाया, इसके मैं चॉकलेट वाले बनाऊंगी कुकीज़। तो इसको पहले मैंने 2 भाग में डिवाइड कर दिया इस तरह से, और हर एक पहले वाले का पोर्शन का 2 सिलेंडर बनाया मैंने। अब ये जो इसको थोड़ा सा रोल कर देंगे, ताकि सिलेंडर्स आप थोड़े स्मूथ ऊपर से हो जाएँ। अब ये जो दूसरा पोर्शन है, इसके लिए मैं चॉकलेट फ्लेवर दे रही हूँ। तो इसके लिए मैंने 1 कप कोको पाउडर लिया है, ये थोड़ा सा ऊपर को लग गया, तो इसमें कोको पाउडर मिक्स कर देंगे, तो ये चॉकलेट फ्लेवर का हो जाएगा।
अब इसे भी दो भाग में डिवाइड कर देंगे और दो छोटे छोटे सिलेंडर टाइप से बना लेंगे इस तरह से। अब इन्हें अरेंज कर लेंगे, एक वाइट पोर्शन, एक चॉकलेट वाला, देन उसके ऊपर एक और चॉकलेट, फिर ये वाइट पोर्शन। अब इस तरह से अरेंज करके थोड़ा सा इसे प्रेस करते हुए ताकि आपस में स्टिक कर जाए, और एक स्क्वायर सा शेप दे देंगे इसे इस तरह से, थोड़ा सा टैप करके ना इसको स्क्वायर शेप दे देंगे। और इसे हम फ्रिज में ठंडा होने के लिए 10 मिनट या 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब ये जो लास्ट पोर्शन रह गया, इसके मैं न्यूटेला फिल्ड कुकीज़ बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने ये रोस्टेड पीनट्स लिया है, इसका छिलका भी हमने हटा दिया है, और इसे इस तरह से मोटा लाइन पेस्टल में डाल के थोड़ा बारीक कूट लेंगे। मिक्सर जार में नहीं चलाएंगे, नहीं तो ये पाउडर बन जाएगा, थोड़ा सा दानेदार होना चाहिए इसका टेक्सचर। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे कूट लिया है, यह देखिए। अब चलते हैं न्यूटेला फिल्ड कुकीज़ बनाने के लिए। तो इस बचे हुए डो के मैं 12 इक्वल पोर्शन बनाऊंगी। जो हमने जैम वाली कुकीज़ बनाई थी उसे थोड़ी छोटी साइज़ में बनाएंगे, ये छोटी छोटी अच्छी लगती हैं। तो इस तरह से बॉल हमने बना लिया और इस क्रस्ट पीनट में कोट कर लेंगे। थोड़ा सा हथेलियों के बीच रख के दबा देंगे जिससे स्टिक कर जाए पीनट्स अच्छी तरह। इस तरह से हथेलियों के बीच में रख के और थोड़ा सा फिंगर से होल बना देंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमने 6 कुकीज़ बना लिए हैं। और ये बाकी जो डो बच गया है इसकी मैं, इसमें मैं रेड कलर डाल रही हूँ। यहाँ पे अगर आप चॉकलेट फ्लेवर बनाना चाहते हैं तो चॉकलेट कोको पाउडर डाल सकते हैं, मैं रेड जेल कलर डाल रही हूँ। इस तरह से ये थोड़ा सा पिंक कलर का डो हमारा तैयार हो गया। इसके भी मैं छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी और रोल कर लूँगी, इसी तरह से पीनट्स में कोट कर लेंगे। इस तरह से फिंगर से इम्प्रेशन दे देंगे, यहाँ देखिए। इस तरह से हमने सारी कुकीज़ तैयार कर ली हैं। अब लास्ट ये जो चॉकलेट वाली हमने फ्रिज में रखी थी सेट होने के लिए, इसे भी मैंने निकाल लिया है और 1/2 सेंटीमीटर के थिकनेस में इसे कट कर लेंगे। देखिए कितनी अच्छी बन गई है, ये हमारी ट्रे बेकिंग के लिए तैयार हो गई है। और ये जो हमने रखी है ना, इसमें जैम फिल करेंगे। तो इसमें मैं मिक्स्ड फ्रूट जैम फिल कर रही हूँ, और उसके बाद हम इसे 170 डिग्री पे 20-25 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। यहाँ देखिए हमारी कुकीज़ बेक होके आ गई। बेक होके आने के 5 मिनट के बाद ये जो हमने स्नोबॉल कुकीज़ बनाई थी उसे गरम गरम ही शुगर पाउडर में कोट कर लेंगे। गरम इसलिए कि क्योंकि शुगर अच्छे से कोट हो जाए, अच्छी तरह शुगर पाउडर। और ये जो न्यूटेला फील्ड के लिए हमने इम्प्रेशन बनाए थे फिंगर से, उसे मैंने एक पाइपिंग बैग में न्यूटेला डाल लिया स्टार नोज़ल लगा के, और इस तरह से इसमें फिल कर देंगे, एक एक ड्रॉप गिराते जाएंगे। इस तरह से हमारी ये कुकीज़ तैयार हो गई। और ये स्नोबॉल कुकीज़ भी अच्छी तरह से कोट हो गई है, मैंने कटोरी में ही डाल के छोड़ दी थी। ये देखिए कितनी टेम्पटिंग हमारे स्नोबॉल कुकीज़ भी लग रहे हैं। तो इस तरह से हमने एक ही डो से 5 तरह की कुकीज़ बना के तैयार किए हैं। यहाँ देखिए मैं सारी कुकीज़ दिखा रही हूँ, कितने अच्छे बने हमारी सारी कुकीज़। ये मेरी रेसिपी पसंद आती तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।